तो गाइस फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। तो अभी फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। वो पीछे आप देख रहे हैं वो सोनप्रयाग है, और यहां से गौरीकुंड रास्ता जा रही है, यहां से गौरीकुंड रास्ता जा रही है सीधा, और ये पीछे जो देख रहे हैं ये सोनप्रयाग से उधर आ रही है। और हम लोग उस साइड से आए हुए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो जो रास्ता दिख रहा है उस साइड से ऐसे घूमते हुए आए हैं। और ये सोनप्रयाग का कुछ व्यू आप देख सकते हैं, सोनप्रयाग है। और ये जो यहाँ पर है ये पूरा गाड़ी पार्किंग है, पूरा पार्किंग एरिया है, देख रहे हैं कितना बाइक पार्किंग है पूरा, सभी लोग यात्री लोग सब। हर हर महादेव, जय भोले। और पूरा पार्किंग एरिया है, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो पहाड़ों पे वहाँ पे वगैरह है, और ये पूरा पीछे जो पार्किंग है यहाँ पे बाइक फोर व्हीलर टू व्हीलर भी, और हम लोग तो साइकिल से हैं, साइकिल से भी कोई यहाँ पे पार्किंग होता होगा नहीं पता है लेकिन अभी, और ये देख रहे हैं। तो चलिए हम अभी गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड वहीं रुकेंगे, स्नान करेंगे, इसके बाद ही आगे का सफ़र तय करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये पूरे बाइक है ना, गाइस ये सोनप्रयाग, ये नदी है और यहाँ पूरा पार्किंग दिख रहा है आपको, और ये जो ऊपर रास्ता है रास्ते से हम गुजरेंगे, ये जो रास्ता दिख रहा है इसी से हम गुजरेंगे, ऐसे जाएंगे बहुत। पूरा पार्किंग है, वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रहे हैं, और वो पूरे गाड़ियाँ हैं, डबल फ्लोर ट्रिपल फ्लोर फ्लोर में लगा हुआ है, पूरे पार्किंग एरिया है। और ये जो व्यू है भाई, मज़ा आ रहा है गाइज। और इस रास्ते से आगे पूरा सोनप्रयाग है, पूरा काफ़ी यहाँ ट्रैफिक और काफ़ी भीड़ है भाई। चलिए जैसे ही गौरीकुंड पहुँच जाएंगे आपको स्नान करेंगे, वहाँ गौरीकुंड में स्नान करेंगे, थोड़ा सा विश्राम भी करेंगे। और ये भाई साहब शिलाजीत बेच रहे हैं, शिलाजीत बेच रहे हैं, शिलाजीत की पहचान बताओगे जरा? ये शिलाजीत है, और इसकी पहचान क्या है अंकल जी? शिलाजीत इसकी पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि शिलाजीत है? टेस्ट करके, टेस्ट कराइए, थोड़ा बंद करो इसको, बंद है ना ये, आपको ही फायदा, आपका बिक्री ज्यादा होगा, थोड़ा टेस्ट कराइए, बंद करो जो कर दिया। आप भी बेच रहे हो छोटू? अच्छा ये क्या है? केसर, केसर केसर है, और ये देख रहे हैं गाइस केसर है ये, और ये अंकल जी बेच रहे हैं यहाँ। और ये क्या है? ये भी शिलाजीत है अंकल? रगड़गस, रगड़गस है ये, रगड़गस है गाइस, हाँ रगड़ गस। और शिलाजीत मैं पहली बार देख रहा हूँ, लोग बोलते हैं इसमें बहुत ताकत होती है शिलाजीत, है ना च्यवनप्राश। तो शिलाजीत अंकल बेच रहे हैं, क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए होंगे? हाँ मक्खन सिंह नाम है अंकल जी, इसीलिए शिलाजीत बेच रहे हैं। चलिए आप इधर से आइए सोनप्रयाग, तो यही पर अंकल जी लगाए रहते हैं, आप शिलाजीत आवश्यकता होगी आपको तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद अंकल, थैंक यू। लिखेंगे साइकिल पे दोस्तों। अभी मैं ये सोनप्रयाग का जो मार्केट है अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, अभी गौरीकुंड 4-5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, और गौरीकुंड जाके नहाएंगे, स्नान करेंगे, और आज ठहरेंगे, उसके बाद कल केदारनाथ जाएंगे। आज कैंपिंग है, आज कैंपिंग करेंगे गौरीकुंड, मजा आ गया भाई, दिखाएंगे स्नान का मजा। 3-4 दिन हो गए नहाए नहीं है, 2-3 दिन हो गए भाई नहाए नहीं है। और ये मार्केट का ऐसा लुक कुछ देख सकते हैं आप,
और इस पे भी चालू कर देते हैं, चालू कर दो आ जाएंगे। और अभी हमारे पास सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर लेंगे है ना, तो देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है भाई। यहाँ तो स्कैम हो रहा है, टोटल स्कैम भाई, इतना महंगाई है, 30-40 के क्या देते हैं। तो चलिए भाई, हर हर महादेव, गौरीकुंड कैसे, हर हर महादेव। हो गया भैया, भाई साहब लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं भाई, देख रहे थे मेरे चैनल, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना आनंद टेबल पर। हाँ, कैमरा कितने के लाए थे तुम? ब्लॉगर है भाई, ब्लॉगर हैं भैया। अरे नहीं, वो तो ठीक है, ओके, सस्ता ही है। कितने का है? कितने का लिया था आपने? 30,000 की। 30,000 का रेट है। तो ये भाई साहब कैमरा बोल रहे थे, हाँ चश्मा तो लगा दिया, लगा लो भाई, चश्मा भी लगा लो, सब लगा लो। जय बाप्पा की, हाँ, जय जय भोले बम बम भोले शंकर बदमाश की जय। भाई गाइस, ये सोन प्रयाग है, आप भी देख रहे हैं, ये पूरा, अब यहाँ से ये पूरा ट्रैक जो जा रहा है ना, गौरीकुंड जाएगा। सभी लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग, आगे गाड़ी नहीं जाती, पीछे पार्किंग हो रही है। और ये मुसाफिर भाई साहब लोग हैं, और ये पूरा जो ट्रैक है ना, पूरा ट्रैक जो होता है, तो ये सभी लोग हैं उधर से आ रहे हैं, वो सोनप्रयाग, ये सोनप्रयाग ही पूरा है। और देख रहे हैं घोड़ा कितना, ये घोड़ा खच्चर वाले हैं भाई, इनकी तो हवा टाइट हो जाती होगी, क्योंकि पूरी चढ़ाई है, देख रहे हैं। जय जय भोलेनाथ। भाई ये पुल है, यहीं से क्रॉस करके गौरीकुंड चला जाता है। और आप देख सकते हैं, ये इधर का पीर है, और ये इधर सामने, यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, देखिए, देख रहे हो भोले। देख रहे हो भाई सामने, मेरे पीछे कितने लोग आ रहे हैं, ये सब लोग। इधर तेरे को एक चीज बताओ, जब दूध और टीस का चांद निकलता है ना, रात को, शाम को, रात को, सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे रात चांद चमकता, इतना प्यारा व्यू है, बहुत भाई, ऐसे लगता है जैसे भगवान की कृपा में चांद ऐसे घूम रहा हो। तो गाइस, ये नदी का पानी जो आप देख रहे हैं, इतना स्वच्छ है कि क्या बताएं। देखिए, और मैं जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये गौरीकुंड उधर जाती है आगे, गौरीकुंड, और ये जो पानी है ना, पानी ही कुछ दिल खुश कर देता है भाई, अब क्या बताएं। और ये जो पूरा दृश्य है ना, वो उस पुल से पार करके हम लोग आए हुए हैं, और ये तो पूरा सफ़ेद, जिसे दुग्ध धारा जिसको बोलते हो ना, दूध जैसे पानी सफ़ेद है। तो भाई चलिए, हर हर महादेव।